1960 से हमारे पिताजी पहले बनाते थे। ये दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं जो दशम घाट से जो सीधी सड़क आ रही है उस पर ये चाय की दुकान है इनकी और बहुत फेमस है। यहाँ देखिए सभी बनारस के लोग यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं और इनकी चाय की खासियत देखिए, ये जो अभी डाल रहे हैं तुलसी की पत्ती, कितनी सारी तुलसी की पत्ती इन्होंने चाय में डाली है और उसके बाद अभी अदरक देखिए कूट के डालेंगे इसमें। भारत में चाय सबसे अधिक पी जाती है और बनारस उन शहरों में है जहाँ सच में चाय इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी उसी के नाम से जाना जाता है कि वो बचपन में चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। और इसी नगरी के प्रधानमंत्री जो है सांसद भी हैं, दूसरी बार सांसद बने। ये देखिए कि अदरक कितनी बड़ी मात्रा में इसमें डाला गया है और अंगीठी के ऊपर चाय बन रही है। ये चाय की पत्ती डाली गई है। वाह, यहाँ सब कुछ थोक में डल रहा है जी। देखिए ये देखिए कोयले की अंगीठी मैंने भी बहुत सालों बाद देखी है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसके नीचे एक पंखा लगा हुआ है, अभी और पत्ती इन्होंने डाल दिया और चाय का ये देखिए जी अंगीठी, ये कोयले की अंगीठी जिसके ऊपर ये चाय बन रही है। अब इसका स्वाद कैसा होगा हमें बिना चीनी के निकाल दीजिएगा उसमें मिट्टी वाले उसमें कुल्लड़ में। कुल्लड़ में चाय पीने का आनंद यह है कि हम इसी बहाने धरती की माटी को चूम लेते हैं, काशी की मिट्टी को, काशी की मिट्टी जी। और यहाँ तो हम काशी की मिट्टी को चूम रहे हैं। ये देखिए जी ये चाय तैयार है, अब इस चाय का आनंद लेके देखते हैं। और सभी भाइयों से भी, वो भी आप चाय पीने के लिए यहाँ आए हैं, आप सब भी चाय पी के आप बताइए कि चाय कैसी है। रोज ही पीते हैं हम लोग। आप लोग रोज ही पीते हैं? दुर्गा प्रसाद जी बहुत हम लोग के करीबी आदमी हैं। अरे वाह जी वाह, बहुत ये नियमित यहाँ चाय पीते हैं जी। इधर भी चाय दीजिए, आप पीजिए ना, बिना चीनी के। हाँ हाँ हाँ, सच में चाय में तुलसी का भी पूरा स्वाद है, अदरक का भी स्वाद है और दुर्गा प्रसाद जी की चाय का सच में। लो जी ये कह रहे गजोड़िया के बहुत नामी दुकानदार हैं। कितने बजे सुबह शुरू करते हैं जी? 24 घंटा। 24 घंटा? लो जी इस दुकान का शटर ही नहीं है, ये 24 घंटे ये दुकान जो है आप यहाँ देखते हैं। अब ये चीनी वाली में, ये चीनी वाली है, बाकी सब लोग चीनी वाली पियेंगे। हम तो शुगर मिल वाले हैं ना, इसलिए हम बिना चीनी के पीते हैं, हमारी अपनी शुगर मिल है। ये भी शुगर मिल है। बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए जी अंगीठी की चाय, चलिए मैं इसका स्वाद लेके बताता हूँ कि ये कैसी है। ये देखिए जी चाय की चुस्की का आनंद सभी ले रहे हैं। दुर्गा प्रसाद जी की चाय ये लीजिए जी, सभी लोग चाय पे आप लोग चर्चा भी करते हैं यहाँ? बहुत बहुत चर्चा होता है इनका। चाय पीने से 100 साल हड्डी का दर्द ठीक हो जाता है। क्या चीज़? क्या चीज़? इनका चाय पीने से आपको अगर 50 साल की हड्डी का दर्द हो जाएगा ठीक हो जाता है। ये दुर्गा प्रसाद लो जी, लो जी आपकी खासियत। क्या बात है जी, इनकी चाय पीने से 50 साल पुरानी भी हड्डी का दर्द ये ठीक दर्द ठीक हो जाएगा जी। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। इस समय देखिए गजोड़िया चौराहे पर हम यहाँ खड़े हैं, इस समय भी रात के 10 बज चुके हैं और कितनी भीड़ है। और बनारस की वाराणसी की सबसे बड़ी खासियत है कि हर 4 कदम पे कोई ना कोई खाने पीने की दुकान मिल जाएगी आपको, चाहे वो गोलगप्पे हो, चाट हो, एक नहीं यहाँ साउथ इंडियन दूध मलाई रबड़ी ठंडाई सभी कुछ यहाँ पे उपलब्ध है जी। बिल्कुल, मैं काशी चाय चाट भंडार की अभी स्टोरी कर चुका हूँ, बिल्कुल उसके सामने ये दुकान है दुर्गा प्रसाद जी की। आप जब भी यहाँ आए और आकर यहाँ अवश्य चाय का आनंद लें, बहुत
स्वादिष्ट चाय है। चाय नहीं बल्कि ये तो एक तरह से मेडिसिन भी है। ये देखिए जी, हम भी चाय पीने लगे हैं जो अदरक और तुलसी की चाय है। और 24 घंटे दुर्गा प्रसाद जी की चाय की दुकान ये खुली रहती है। आनंद सच में बहुत स्वादिष्ट चाय है और कुल्लड़ में चाय का स्वाद तो और भी दुगना हो जाता है। तो यहाँ सब हमारे साथी जो चाय पी रहे हैं इसका आनंद ले रहे हैं। इसके बारे में तो इनका ये कहना है कि 50 साल पुरानी अगर शरीर में दर्दें हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी इस चाय को पीने से। चलिए जी, फूड जर्नी विद निर्मल, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं देश भर के प्रमुख शहरों के जो जो प्रमुख इसी प्रकार के जॉइंट्स हैं, रोड साइड जो फूड चाय चाट कुछ भी मिलती है उसके बारे में आपको मैं बताता रहता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पड़ोस में भी कोई इसी प्रकार की विलक्षण प्रतिभा है तो उसके बारे में मुझे लिखें बताएं, मैं उसकी आके भी स्टोरी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं देहरादून से आया हूँ। चलिए जी, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा काशीनाथ।